गाइस मेरे हाथों के खाइटे जम गए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम हैं अभी हमारे खेत के ऊपर, जो मक्के की जो फसल थी उसको खेत से घर पे लेके जा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे लेके जाते हैं। वो ट्रैक्टर के ऊपर है मोहन महाराज और मैं और पंकज उधर ये पुलिया फेंक रहे हैं ऊपर मक्के की। तो इसको अभी घर पे लेके जाना है जल्द से जल्द। ये हमारी सरसों के पास में जो मक्की थी ना उसको घर पे लेके जा रहे हैं। अभी मक्की की पुलियों को घर पे लेके आ गए हैं। और अभी फिलहाल हम आए हैं हमारे जो ज्वार वाला खेत था ना उस पे, मतलब जो चने की उरवाई करानी थी, तो अभी हम फिलहाल चने की उरवाई करा रहे हैं। यहाँ पे हमारे खेत में चालू हो गया है चने की उरवाई और अभी कंप्लीट होते ही खेत पे जाना है वापस, उस वाले खेत पे जिसपे पाइप हम डाल के आए थे। और अभी यहाँ पे हम चने की उरवाई करा रहे हैं और चना लगभग 7 से 8 इंच अंदर डालना पड़ता है ज़मीन के अंदर, तब जाके चना मतलब सही अंकुरित होता है। ये 7 से 8 अंगल इसको अंदर डालना ही पड़ता है। खेत में चने उड़ा दिए और अब चलते हैं वापस घर पे। घर पे चल के खाना वाना खाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया, एक बज चुके हैं, तो पहले घर पे चल के खाना खा लेते हैं। गाइस अभी हम कर रहे हैं हमारे खेत के ऊपर, खाना वाना खा के आ चुके हैं और अब हम कर रहे हैं हमारे खेत के ऊपर जो पाइप है उनको मतलब पूरे जंगल में मतलब लंबे कर रहे हैं, जो पानी आएगा ना तो डायरेक्ट खेत में आएगा। गाइस पाइपों को लंबा करने में बहुत दिक्कत आती है और इनमें वज़न भी बहुत है, 4 इंची पाइप है ना, इसलिए गाइस पाइपों को लंबा कर दिया है और बहुत मेहनत लगती है इन पाइपों को लंबा करने में। अब बहुत खतरनाक तीस लग रही है तो पानी पी लेते हैं इंजन चला के। पानी पी के बाहर आ चुके हैं और अब थोड़े बहुत पाइप और बचे हैं, इनको हमारा वो सरसों वाला बड़ा कहता ना उसमें रखने हैं इनको। तो क्या अभी इनको इन सभी पाइपों को वहाँ लेके जाएंगे, इतने सारे पाइप हैं इनको लेके जाना है वहाँ पे बड़े वाले खेत पे। बाकी ये लाइन लंबी है, इस लाइन को हमने लंबा कर दिया है पूरे पूरे जंगल में, ये लाइन जा रही है देखो। अब पाइपों को सबको ठिकाने लगा दिया है और अब चलते हैं घर पे, भूख भी लग रही है और 3 दिन से नहाया नहीं हूँ मैं, मतलब मेरे को नहाना भी है, तो घर पे चलते जल्दी से नहा लेते हैं। अभी घर पे चलते हैं। हाथ कैसे करे मेरे गाइस मेरे हाथों के खाइटे जम गए। नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब फीलिंग अच्छी आ रही है और पूरा शरीर पे मतलब धूल मिट्टी लगी थी मेरे। और अभी फिलहाल थोड़ी जिम की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में खाना वाना खाएंगे। जिम की प्रैक्टिस करके और निपट चुके हैं और आधा घंटा मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी सर्दी आ गई है तो फिर इसको 1 घंटा करना पड़ेगा और शाम सुबह डेली करना पड़ेगा, तब जाके बॉडी फिट रहती है। तो मैं अपना शरीर का अच्छे से ध्यान रखता हूँ, आप भी रखा करें, आई होप रखते होंगे आप भी। तो फिलहाल खाना तैयार हो गया तो नीचे चल के खाना खा लेते हैं। पहले कहा इस रात को खाना वाना खा के सो गए थे और क्योंकि बहुत थकान भी आ गई थी, सारे पाइपों को लंबा किया था ना, तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ वापस खेत पे। और ये पाइप है सारे, ये सारे पाइप इधर ही पड़े हैं, इनको हमको सबको मतलब लेके जाना है वापस उस वाले खेत पे जहाँ मतलब ज़्यादा सरसों बैर की है। और फिलहाल मैं अभी सुबह सुबह तो इनको नहीं रखूँगा क्योंकि सर्दी ज़्यादा है आज, तो कड़क रहते हैं, सर्दी की वजह से कड़क हो जाते हैं पाइप। तो अभी फ़िलहाल मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा कि इनको वहाँ ले जाऊँगा। और फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।